अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज शाहपुर कांजरा लाहौर की मंडी में मैं इस वक्त तकरीबन कोई 7:45 आया हूँ। और अभी यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत पैड़े हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी पक्के बाड़े थे वो सब तोड़ दिए गए हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, और ये आतिफ का बाड़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एक बाड़ा वो था वहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, तो ये एंड तक जो है वो सारे तोड़ दिए गए हैं। आतिफ, क्या हुआ, क्या क्यों कह रहे हैं? पता नहीं, कोई पता नहीं भाई यार। मतलब ये तो प्राइवेट लैंड है ना, प्राइवेट है जमीन ये वाली जो है जी। इसका तुम किराया देते हो ना? बारल भजन पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता है इस टाइम। जेड़ा दिमाग है ना, होया कदों है? सिर्फ दस दे, मैं चला सवेरे। आज सुबह हुआ है जी, कल रात की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, अंदर जाके मैं ऑफिस में आज पूछता हूँ कि ये क्या क्यों कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा हाल हो गया जी यहाँ पे, और ये सारे जो हैं सब ऑलमोस्ट सब तोड़ दिए गए हैं। और आगे जो है वो कुछ काम भी चल रहा है, मुझे नहीं पता कि वो क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन होप्स हो कि कुछ बेहतरी होगी। मे भी राइट, मैं यहाँ पे वीडियो बना के गया हूँ, और यहाँ पर इस कदर बाड़े थे, इस कदर मतलब पूरा शहर ही बात था बकरों का। और यहाँ पे मैंने सौदा भी दिखाया है रात को। और ये अभी सुबह का हाल है कि सुबह जो है ये कह रहे हैं कि जी यहाँ से सारे जो हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी लेकर चले जाएं यहाँ से। तो ये प्राइवेट लैंड था बेसिकली, ये मंडी के अंदर नहीं आता, ये प्राइवेट लोगों के प्लॉट्स हैं जो कि हर साल जो है वो यहाँ पे रेंट के ऊपर, रेंट बेस के ऊपर जो है वो जाते हैं। ये वाला ये होटल शोटल तो कुछ कायम है, बाकी आधे से ज़्यादा गिर चुका है। और वहाँ सामने जो है वो काम भी चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। बहरहाल ये एक अच्छा एकदम भी है, क्योंकि देखें जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम ही हो तो बेहतर है। यानी कि ये लोग बेसिकली मंडी के अंदर जो बाड़े हैं जो उनसे हट के यहाँ पर ये सारे बाड़े लगाते थे, तो ये इस वजह से जो है वो ख़त्म किए गए हैं। तो वो पूरा प्लॉट जो है रात को भरा हुआ था, और ये पूरा प्लॉट जो है वो इस टाइम अब खाली है। और लाहौर शाहपुर कांजरा की मंडी कहीं नहीं जा रही, लेकिन ये जो प्राइवेट लैंड था वहाँ से सारा जो सिस्टम है वो उठा दिया गया है। तो मंडी अंदर है, और मैं आपको अंदर चल के मंडी भी दिखाता हूँ। ये देखने जी, यहाँ पे मैं बकरों की वीडियो बेसिकली बनाने के लिए आया था आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे साथ आगे यहाँ पे है जो है ना आगे मेरी ये ड्रिलिंग हो रही है यहाँ पे। अब क्यों हो रही है कुछ नहीं पता। तो जो रात को मैंने वीडियो बनाई थी, अभी आप लोगों ने शायद देखी है या नहीं देखी है, वो है जी 85 वाले बकरे 85,000 में भाई लेकर गया यहाँ से। और ये वाला वो बाड़ा था यहाँ से, अंदर से कहीं से लेकर गया। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ रात को, मैंने यहाँ पे चाचा जी से, वो बैठे हुए हैं मेरे ख्याल उनसे बात की थी, या कोई और चाचा था, वो वाले थे ये वाले। तो यहाँ पे अभी ये सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अंदर जो मंडी है वो भी मैं आप लोगों को जाके दिखा देता हूँ कि अंदर क्या हिसाब किताब है। एंड आई होप सो कि यहाँ पे जो ये वाला प्लाट है जो राइट साइड पे आता है, इसमें पार्किंग आएगी, इसकी वजह से सारा जो है ना ये सिस्टम सारा ख़त्म किया गया है। और ये प्राइवेट लैंड वालों को जो है वो सही, यानी कि उनको जो है एक धचका मिला है यहाँ पे। ये वाला प्लॉट जो है वो भी सारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि तकरीबन 300-400 बकरा यहाँ पे अंदर था। ये वाला प्लॉट भी ख़त्म हो गया है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखें जी, ये सारे अंदर ख़त्म हो गया है, और ये सब भी ख़त्म हो गया है। आए आगे देखते हैं कि शुएब के बाड़े का क्या बना है। ये देख लें जी, ये सारा यहाँ पे सब था, और ये इस वक्त जो है ना 7:45 मैं आया हूँ, और यहाँ पे ये सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। तो चले आगे चलते हैं। नहीं जी, जो शुएब वाला सारे बाड़े वगैरह वो भी सब ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बैनर वगैरह लग रहे हैं, बैनर जो है वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। लेकिन ये शुएब का, और ये जो आगे एक वो था पान खोखा सिगरेट वगैरह वो भी ख़त्म हो गया है। तो ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। चले आए वो बैनर ज़रा रीड करते हैं। ये जी मंडी के कुछ SOPs हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने भी अमल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वही है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ईद के मौके पर मंदरजा दर्ज सहूलियात की मौजूद हैं। मालूमात और शिकायत सेल है, वेटनरी और
सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, कंट्रोल रूम है, जानवरों और इंसानों के लिए पानी का इंतजाम है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जानवरों के वजन के लिए वेट स्केल भी मौजूद है। पहली दफ़ा यह सुनने में आ रहा है, वैसे होगा या नहीं होगा आई डोंट नो। जानवरों के लिए सायादार जगह भी होगी जी, ये लिखा हुआ है। बड़े और छोटे जानवरों के लिए चारे का इंतजाम है, होटल कैंटीन डायरेक्शन और मालूमात साइन बोर्ड हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, मस्जिद अंदर एक ही है लेकिन देखते हैं कि क्या यहाँ पर और मस्जिद बनाई जाती है या नहीं बनाई जाती है। आरामगाह आज से पहले मैंने कभी देखी नहीं थी लेकिन आरामगाह पहली दफ़ा देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आरामगाह भी दिखाऊंगा मैं, अगर यहाँ पर जो कुछ ये लिखा हुआ है इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। बैंक की सहूलत पहले वैसे इतनी को खास मौजूद नहीं थी। राहदारी स्लिप ये पता नहीं क्या है, लेकिन लाहौर डिवीज़न कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी हुकूमत की जानिब से ये सारी जो है ये फैसिलिटीज़ का चार्ट यहाँ पे लगा दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है और आगे ये जो ये सारे जो लग रहे हैं, वैसे बता दो कि ये क्यों लग रहे हैं, ये क्या सिस्टम है, क्या हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, जानवर अंदर आएंगे अब दोबारा आगे जाएंगे, यानी कि ये वो जो वो वाला प्लॉट है जो पिछले साल पार्किंग बनी थी वो दोबारा पार्किंग बन रही है या नहीं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता, आने का रास्ता खत्म हो गया, आने का रास्ता वो अगला वाला। लेकिन वो सड़क बिल्कुल खराब है, कीचड़ पड़ी हुई है, साफ होगी। चले ठीक है जी, देखते हैं कल या परसों मैं आपको दोपहर में वो भी दिखा दूंगा। जो सेल आप लोगों को बताया है कि जी यहाँ पे हर तरह की सिस्टम होगी, वहाँ पे वैक्सीन वगैरह और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुर्बानी के लिए मादा जानवर खरीदने से कबल मुफ्त हमल टेस्ट यहाँ से करवाएं। ये वैसे इस वक्त करना मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि पंजाब में जो है वो अगर देखा जाए तो मादा जो है वो तो कुर्बानी के लिए वैसे सेल नहीं होती बहुत ज़्यादा, और कुर्बानी के जानवरों का फौरी मुफ्त टेस्ट इलाज ये हाँ कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा वो शायद भी कबल इस वक्त है कि मैं इनसे पूछूं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आने वाली वीडियो के अंदर वो भी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। तो ये वेट सेल है, आगे चलते हैं। ये है जी आरामगाह, और आरामगाह में तकरीबन 2, 4, 6, 8, 10 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे कूलर चूलर रखे हैं, और यहाँ पे पूरी आरामगाह आगे तक मेरा ख्याल है सारी आरामगाह ही है। और अभी पार्किंग का सिस्टम आप लोगों को दिखा दूं कि जी पार्किंग जो है वो यहाँ तक लोगों ने की हुई है, जो कि पार्किंग से बाहर अगर आप आएँ तो वो है फ्री मेडिकल कैंप है जी। पता नहीं अब यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप में क्या ये करेंगे, क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे इस तरह से टेंट लगा दिए गए हैं और बैनर लगा दिए गए हैं। नहीं जी, अब ये मैंने देखना है कि जिनके पास मास्क नहीं है, तो जिनके पास मास्क नहीं है मास्क दे रहे हैं, मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। दैट्स रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि जो बाहर सारे वो हैं वो खत्म है सर, बाहर सारी खत्म कर दी है, पार्किंग कहाँ है, अमल ला गए पार्किंग है, लेकिन यहाँ से एंट्रेंस तो है नहीं, तो फिर पार्किंग वो हाई नून से अंदर आना है, वो पार्किंग के सामने बिल्कुल आपके सामने पार्किंग, आना कहाँ से है, हाई नून से अंदर आना है सर, ये एक एंट्रेंस है, बाहर कह रहे हैं कि एंट्रेंस नहीं है, ओनली एग्जिट है सर, एंट्रेंस भी यही है, एग्जिट भी यही है। कल मैं गाड़ी पे आया हूँ, मैं आज बाइक पे इसलिए आया हूँ कि कल मैं बाइक गाड़ी पे आया था, गाड़ी मुझे वो मेन पे खड़ी करनी पड़ी है। मैं हाई नून के एंट्रेंस से भी आया हूँ, लेकिन हाई नून से मुझे वहाँ से एंट्रेंस इतनी बुरी लगी और इतनी खौफ ज्यादा, हाँ जी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी नहीं डाली क्योंकि कच्चा रास्ता, जानवर जो आते हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि देखें सिस्टम होना चाहिए, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है और लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी को हर बुध के दिन मैं कैप्चर करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे सिस्टम क्या चल रहा है, ताकि लोगों को मेरी वीडियोस देख के पता हो कि क्या सिस्टम है। सर जो SOPs पे अमल ना करने की वजह से सर बाहर रश था, और दूसरा ट्रैफिक बंद हो रही थी मुल्तान रोड, बिल्कुल बंद हो रहा था, एंड लेफ्ट और राइट की जो दोनों दिन है सर, दोनों ट्रैफिक बंद हो रही थी, बिल्कुल सर वहाँ से टोटल खाली कर दिया, सब कुछ वहाँ से खत्म कर दिया और सारा कुछ हमने अंदर शिफ्ट कर दिया है। बहुत अच्छा किया, आसानी हो, वो आराम से आए अंदर शॉपिंग करें। लेकिन आई थिंक के जो पहला प्लॉट था राइट साइड पे पिछले साल किया गया था, वो राइट साइड पे पार्किंग थी, वो बहुत अच्छा एकदम था, उसको रिटर्न करना चाहिए सर। वो तो अब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है ना, ताकि लोग अंदर पार्किंग रखें और गाड़ियां, यहाँ तक पार्किंग आने में बहुत सारे इश्यूज हैं सर, वो आपकी बात ठीक है कि इश्यूज है, लेकिन सर पार्किंग फिर भी गवर्नमेंट ने तो दी हुई है। आज एंट्रेंस खुली हुई है ये वाली सर, खुली हुई है एंट्रेंस। अच्छा चले, मैं आज रात गाड़ी में भी चक्कर लगा के देखूंगा कि यहाँ पे क्या होगा। 7 बजे सर मंडी बंद हो जानी है। 7 बजे क्या होगा, मंडी कैसे बंद हो जाएगी, मतलब जो अंदर होंगे उनका क्या करेंगे सर, हमने तो आगे तो अंदर का तो भी हम लोगों ने जो एंट्रेंस है ना कोशिश करनी है कि कहते हैं हम लोगों ने क्लोज। आप सर मतलब
कुछ अपना तारुफ करवा दें पहले थोड़ा सा। सर हम इनको ना कंट्रोल कर रहे हैं, इंतजामिया में से हैं बस। ठीक है, अच्छा सर, वगैरह बना रहे हैं, मास्क पहने, बहुत जबरदस्त, थम्स अप कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, दैट्स रियली गुड। अंदर लोग बगैर मास्क के नहीं जा रहे, ये सबसे अहम चीज होनी चाहिए, दैट्स रियली गुड। लेकिन ये है, क्या कहते हैं, हम लोगों ने अब ये भी करना स्टार्ट करना है कि जो अंदर जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको क्या कहते हैं, फाइन करें। मास्क लाना नहीं पहने उनको चलान किया करेंगे, फाइन करें, फाइन करें, वहीं पे खड़े खड़े 150-200 फाइन, बहुत अच्छी बात है। चले आगे, देखा होगा जितने भी इलीगल लोग बैठे हुए, हाँ जी, उनका क्या बताएं, डीजे साहब आए, सबको उन्होंने, ठीक है, सबको सफाई हो गई है, लेकिन पहले बैठने नहीं देना चाहिए था। मैं अगर मैं एतराज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है पूरे साल इस मंडी को कैप्चर करता हूँ, सारे मुझे जानते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि देखें, पहले बैठने देना चाहिए था, प्राइवेट लैंड वालों को कहना चाहिए था कि अगर आपने दी तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप देखो ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो वो लड़ेंगे, उनसे भी काफी प्रॉब्लम पड़ेंगी, तो पहले एकदम करना चाहिए था। अब मुझे ये बताएं कि अभी जो SOPs हैं, वो जो 6 फुट दूर रहना, ये करना, वो करना, अंदर क्या बकरों के बाड़ों में और बछड़ों के बाड़ों में क्या ऐसे SOPs कोई हैं, जो ऐलान भी किया गया था मस्जिद में, मैंने सुना भी है, वो मस्जिद नहीं, इधर ऑफिस है, ऑफिस में ऐलान भी किया जा रहा है, इधर सबको मास्क भी बनाया जा रहा है, ठीक है, SOPs पर अमल भी दरामद किया जा रहा है, इधर अंदर बंदे भी हैं, वो उनको बार बार कह रहे हैं आप इसका त्याग करें, बिल्कुल ऐलान हो रहा है, फिर भी इसका तो मैं गवाऊं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, कोशिश के बावजूद भी लोग अब क्या कह सकते हैं, आवाम नहीं समझती इस केस को, ठीक है, वो लड़ते हैं, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल लड़ते हैं, और वो यहाँ तक के धमकियां देते हैं मारने की कि हम आपको जान से मार देंगे, यहाँ तक बात आ गई, अब कोशिश तो पूरी है हमारी, क्या कहते हैं, कंट्रोल करें, ठीक है, हम यहाँ तक रोक रहे हैं, बच्चे भी ना जाए, ठीक है, हाँ जी, बच्चों का बताएं जी, बहुत सारे मेरे तो 13 साल के बच्चे देखने वाले, सबसे ज्यादा मेरी मेजोरिटी है, तो हम मुझे बताएं बच्चों को क्या जवाब देना, मैंने सर मेरा तो यही पैगाम है कि कहते हैं ना बच्चों को लेकर आए ना बुजुर्गों को लेकर, हमें देख सकते हो पीछे लेडीज खड़ी हुई है वो वहाँ पे, मतलब ये कि क्या सिस्टम है, लेडीज का तो क्या कहते हैं आप, लेडीज बेशक आए, ठीक है, अच्छा, बच्चे जो मेन चीज है बच्चे और बुजुर्ग ना आए, ठीक है, मेरा तो यही पैगाम है, और जब भी आए आप मास्क, मंडी के SOPs में बच्चे कितनी एज के अलाउड है यहाँ शाहपुर कांजरा लाहौर में, जो बच्चे हैं तकरीबन 15 ईयर से 15 साल, आप क्या कहते हैं आप उससे जो बड़े बच्चे हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, जो समझदार हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे बिल्कुल अलाउ नहीं है, और गर्मी और हफ्ते में वैसे ही मास्क पहनने का दिल नहीं करता, तो इसलिए घर पे रहे, माँ बाप को कहें ले आएंगे भाई, चले बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर क्या SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे भाई मास्क दे रहा है, और मास्क पहना के यहाँ से लेके जा रहे हैं, अंदर जाने दे रहे हैं, वरना अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ मास्क जो है वो पकड़ना है, ये चाचा जी को कह रहे हैं मास्क पहनना भी है। तो बच्चे लेकर आ रहे हैं लोग, मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा का वास्ता बच्चों को लेकर ना आए, मैं जब यहाँ से वापस आता हूँ तो सबसे पहले मैं जाके कहवा पीता हूँ, बच्चों को ना लेकर आए, ना लेकर आए बच्चों को, ठीक है, आप बाहर चले जाएं। अब ये देखें जी, सबसे सबसे खूबसूरत चीज जो है, ये देखें सारों ने मास्क पहना हुआ है, ये देखें जी, यहाँ पे देखें जी, ये मास्क दे रहे हैं, मास्क पहन के अंदर एंटर होनी है, वरना एंट्री नहीं होनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे SOPs के ऊपर अमल दरामद हुआ।